आ इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जिले के ईसानगर थाना इलाके में एक किशोरी का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आ इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए कि इस घटना के पीछे क्या कुछ कारण निकल कर आ रहा है, क्या परिजनों ने कोई हत्या का आरोप लगाया है किसी पर, या ये सुसाइड की बात सामने आ रही है? देखिए प्रियांशु जी, सुबह सुबह जब आज ये ईसानगर थाना क्षेत्र की घटना है, हमका गांव एक है वहां पर, तो ये सुनिता नाम की 17 वर्षीय नाबालिग है, इसका शव आम के पेड़ पे लटका हुआ मिला। जब ग्रामीणों ने देखा तो अफरा तफरी का माहौल हुआ, उसके घर पे सूचना दी गई। सूचना के बाद जो परिजन घर पहुंचे हैं तब इस शव को उतारा गया और पुलिस को भी सूचना दी गई। लेकिन जो अभी चारों तरफ खबर है, जो आईडिया को खबरें मिल रही हैं, उससे यही प्रतीत हो रहा है कि कहीं इसकी अभी कुछ ही दिन पहले शादी तय हुई थी, उस शादी के बाद कहीं ना कहीं कुछ घर के परिजन राजी नहीं थे, या जहां भी हो किसी ने भड़काया हो या जो भी इसको लगा हो बच्ची को, और इस दुविधा में क्योंकि इसके मन की शादी नहीं हो रही थी, या जो बातें चल के आ रही कि जहाँ पे शादी तय की गई थी इससे नाराज थी, या जो भी कारण है, तहरीर में इस चीज का भी जिक्र नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि यही अफवाह चल रही कि इस चीज से कहीं पे शंका होते हुए मन मुताबिक वरना होने के कारण उसने फांसी लगा ली है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, कोई अभी कोई ऐसा हाथ का लिखा हुआ पत्र या कोई नोट नहीं मिला है जो पुलिस को इस बारे में जानकारी मिले, लेकिन फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए लखीमपुर खीरी भेज दिया गया और पूरे इलाके में यही खबर फैली कि कहीं ना कहीं शादी के मामले को लेकर नाराजगी थी और उस चीज को लेके ही ये इसने ये दुखद कदम उठाया है। जी प्रियांशु सर, क्या परिजनों ने किसी पर हत्या का आरोप लगाया है, या इसमें कोई प्रेम प्रसंग की भी बात निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल प्रियांशु जी, आप जो बात कर रहे हैं इन सब पहलुओं को देखा जा रहा है, और चूंकि अभी ये ताजा ताजा मामला है, लेकिन निश्चित तौर पर कहना कहीं ये जो ऑनर क्लिनिक का एक मामला आ रहा है कि प्रेम प्रसंग था पर, और हत्या की बात से अभी पुलिस नकार रही है हत्या की बात पुलिस से, और कहीं ना कहीं पुलिस को भी चीजों में थोड़ा सा देखा जाए तो कानूनी पहलू से आराम मिल जाती है अगर आत्महत्या हो, लेकिन किसी चीज को नकारा नहीं जा सकता है, पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। और ये भी परिजन आरोप लगा रहे हैं कि इसका शव हत्या करके काम दिया गया है, लेकिन अभी पुलिस का सीधे सीधे कहना है कि आत्महत्या का मामला है, और जो बातें गांव में पूरी है कि शादी अभी कुछ दिन पहले तय की गई थी, कहीं ना कहीं उससे जोड़ के इस मामले को देखा जा रहा है। फिलहाल अभी किसी को नामजद भी नहीं किया गया है, एक तहरीर दी गई है और जिसमें परिजन आरोप लगा रहे हैं, जो बात प्रियांशु जी आप कह रहे हैं हत्या की भी बात, से इनकार नहीं किया जा रहा, लेकिन अभी किसी चीज का नाम नहीं दिया गया और पुलिस उस तहरीर को भी सार्वजनिक नहीं कर रही है। काफी चीजें पोस्टमार्टम के बाद निकल के आएंगी, पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद कुछ कहने के लिए पुलिस तैयार होगी। फिलहाल इस चीज को हत्या की दृष्टि से ही पुलिस देख रही है, लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो बातें चल रही हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आनंद फीलिंग का भी मौका हो सकता है। जी प्रियांशु जी, सर ये शव जो लटकता हुआ मिला है किशोरी का, वो आज सुबह लटकता हुआ मिला है, तो क्या ये जो बात आई है, ये फंदे से लटकता जो ये घटना हुई है, ये रात की है या आज सुबह की है, और अगर रात में युवती घर पे नहीं थी तो क्या परिजनों ने कोई तलाश नहीं की? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात आपने प्रियांशु जी की, ये बात सुबह चर्चा का विषय थी। अभी जो पुलिस फोर्स थी या जो जा रही गाँव की तरफ, इस बात के लिए भी पूछा गया, लेकिन रात को थी, लेकिन बता रहे सुबह ही अपने घर से कुछ दूरी पर बाहर खेत की तरफ गई थी और रात को ही घर पे ही बच्ची थी। उस चीज के बारे में भी पुलिस अभी कुछ नहीं बता रही, परिजनों से पूछताछ चल रही है, लेकिन सुबह सुबह जो ग्रामीण लोग गए हैं तो निश्चित तौर पर ये बिना बताए घर से निकल गई होगी, क्योंकि परिजन को सूचना दी गई है, ग्रामीणों द्वारा दी गई, बिल्कुल निश्चित है सूचना दी गई है, और तब इनके पिताजी वहां पहुंचे हैं और उन्हें पहचाना और तब शव को उतारा गया वहां से पुलिस को सूचना देने के बाद। निश्चित तौर पर ये जो आपने प्रश्न उठाया है, इस चीज के बारे में भी पुलिस को जांच करनी पड़ेगी कि क्या रात को ये घर पे थी या नहीं थी,
सुबह गई है, कुछ ही दूरी पे आगे जहाँ पे आम के पेड़ पे इसका शव लटका है। जी प्रियांशु जी, जी बिल्कुल। तो ये यूपी के लखीमपुर खीरी का ईसानगर थाना इलाका है, जहाँ का एक गांव है सिमरिया। वहाँ के गांव के बाहर एक आम का पेड़ था, वहाँ पर फांसी के फंदे से एक 17 वर्षीय किशोरी सुनीता पुत्री रामकिशोर का शव आम के पेड़ से लटकता हुआ पाया गया, जिसके बाद जब ग्रामीणों ने सुबह देखा तो पूरे इलाके में आपको बता दें सनसनी फैल गई है। और मौके पर जो पहुंचे हैं ईसानगर थाना क्षेत्र में, जो थाने में SI है धर्मेंद्र बहादुर सिंह, उन्होंने शव को उतरवा के पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। और जो इस बारे में बात सामने निकल कर आ रही है उसमें पुलिस इस बात पे अभी कुछ नहीं पता चल रहा है, जांच का विषय है कि ये ऑनर किलिंग है या ये आत्महत्या है, सुसाइड है। क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जो किशोरी है उसकी शादी भी तय हो चुकी थी, तो ये भी यहाँ तक एक शक की सुई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि किशोरी शादी से नाखुश थी इसी कारण उसने यह कदम उठाया, या कोई और बात है, या किसी ने आत्महत्या की है या ऑनर किलिंग है। इन सब पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि कैसे युवती की मौत हुई है। फिलहाल पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। सुबह सुबह शनिवार जो है आम के पेड़ से 17 वर्षीय किशोरी सुनीता का शव जैसे ही लटका देखा गांव में, तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं और सनसनी भी फैली हुई है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए दर्शकों को। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।